हाय व्यूअर्स, सलाम अलैकुम। आज मैं अपनी पहली वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं स्वीट पोटैटो पास्ता बनाऊंगी। बहुत ही इजी है और बड़ी गजाइत से भरपूर है। एंड ये जो लोग मीट वगैरह नहीं खाते इनके लिए बहुत ही अच्छा है। हर वक्त मीट वाली चीज़ें भी नहीं खाई जाती, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें जो है कलेक्ट कर ली हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैंने बॉयल किया है, पास्ता बॉयल किया है रोटीनी, एंड स्वीट पोटैटो बॉयल करके कट करके रख लिया है। प्याज मीडियम साइज, 2 ग्रीन पेपर एंड 1 टमाटो, एंड दिस वन इज ग्रीन बीन्स हैं। ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं क्योंकि इसमें कहते हैं कि वो जो होती है विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है और प्रोटीन भी होती है। और सबसे एंड पे मैं ये चीज़ 1.5 कप यूज़ करूँगी। और इसके अंदर ये सॉस है, ये मैंने ली तो रेडीमेड है, लेकिन इसको मैं जब भी यूज़ करती हूँ तो मैं थोड़ा पका लेती हूँ। ये मेरी रस सॉस है, तो ये बहुत अच्छी है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और ये थोड़े से स्पाइसेस पड़े हुए हैं, ये मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ करूँगी। हाँ जी व्यूअर, ये देख सकते हैं आप, इसमें मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, ये फुल ज़ायद से भरपूर होगा। जैसे कि मैंने ये ओवन प्रूफ बाउल लिया है और उसको मैंने ऐसे ग्रीस कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले ये मैं थोड़ी 1 स्पून जो है इसका सॉस का डालूंगी, उसको ऐसे कर लिया, स्प्रेड कर लिया। उसके बाद ये मैंने रोटीनी बॉईल की हुई है, ये इसकी लेयर डालूंगी। देख सकते हैं आप, उसके ऊपर ये टमाटोज की लेयर है, ग्रीन चिल्ली की लेयर है, प्याज, एंड ये जो ग्रीन बीन्स है मेरे पास, ये फुल वेजी पास्ता है। इसके साथ ये देख सकते हैं आप, मैं ये स्वीट पोटैटो जो है बॉयल करके रखे हैं, काट लिए हैं, और अब ये मैं डाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे करके डालें ऊपर, फिर आप थोड़ी सी सॉस डाल लें। ये बहुत ही यमी बनेगा। इसी तरह आप ये सारा जो है ना, फिर अगेन पास्ता डालें, इसी तरह ही फिर अगेन सारी चीजें ऊपर, जैसे मैंने पहले डाली है इसी तरह ही फिर बाद में ये सारी चीजें डालें। जी व्यूअर, आप देख सकते हैं कि इसको मैं बेक करने के लिए ओवन में रख रही हूँ। ये 15 से 20 मिनट बेक होगा और बहुत ही मजे का बन जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ओवन में चला गया मेरा पास्ता। जी व्यूअर, आई एम बैक आफ्टर 20 मिनट। आप देख सकते हैं कि ये कितना मजे का लग रहा है और गजाइत से भरपूर है। और ये जो लोग होते हैं, स्पेशली वेजिटेरियन लोग होते हैं, इनके लिए तो स्पेशल डिश है। अब मैं इसको थोड़ा सा निकालती हूँ आप लोगों के लिए। पहले मैं थोड़ा काटूंगी और आपको दिखाने के लिए निकालती हूँ कि ये कितने कमाल की चीज बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक इनाम होगा मेरे लिए और मेरे चैनल को जो है लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ये देखें कितना चीजी बना हुआ है। इसकी यही तो खासियत है कि ऑयल के विदाउट ऑयल है, इसमें ऑयल नहीं है, लेकिन थोड़ी चीज है जो वो प्रोटीन बनाती है, और वेजीज हैं जो विटामिन सी का काम देती हैं, आपको फ्राहम करती हैं। जरूर बनाइएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।